नानक पद पंकज वंदन पंकज वंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गोर हृदय नित त्यावो हृदय गुरु रामदास गुण गावो फिर अर्जन विघ्न न के नाशक विघ्न न के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत पर हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण नमनाय मोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोविंद सिंह विसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जग इसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कार्यान राग एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दोहरा मस्तक आयत दिपत दुत चित मोहत नर बाल कमल दलन से दृग ललत अल लाज विशाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह युग युग अटल शब्द गुरु वाणी के बोहित चवरतख दिमालक दसा पातशाह जी के आत्मक ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर वाहेमान गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा सतसंगी जनों वड़े भाग हन अपने सबना दे जिन्हां ते सतगुरां जी ने कृपा करके सतसंगत करन दा सुभागा समा बख्शिया है सतगुरां जी दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन गुरसिखां दी रसना द्वारा श्रवण कीते हन हुण समां बणिया है सतगुरु नानक देव महाराज जी दे पवित्र पावन जीवन दी कथा दा सतगुरु जी राय भोए दी तरवंडी दी धरती नूं भाग ला रहे हन
गोपाल पांडा जी ने सतगुरां जी का उपदेश सुन के धारण कर लिया, नमस्कार कर दिती। सतगुरु जी हुण घरे रहिंदे अपनी इच्छा के मुताबिक विचरना, छकना, खेडना बच्चों के नाल। सारे नगर के बच्चे सतगुरां जी के पक्के संगी बने हुए हैं। जिथे सतगुरु जी दे नाल ओ खेडदे ने, उत्थे गुरु जी दे कोलों उपदेश भी सुनदे ने। ऐसियां कथा कहानियां जिन्हां दे विच जीवन दा आशा, भगती मार्ग, ज्ञान दीआं गल्लां सतगुरु जी समझाउंदे ने। वाहवा रात होयां तों घर दे आ के बच्चियां नूं लै के जांदे। कोई बच्चा सतगुरां जी का संग नहीं छड्डना चाहुंदा। हर एक बच्चा महसूस करता है भी सतगुरां जी का मेरे वल मुख है, कंड नहीं है किसी भी पासे। तो पिता जी दूसरे दिन तैयार करके अपने पुत्र नूं पाठशाला दे विच लेके जांदे। क्या भी पढ़ने विच ठीक है, पहाड़े मैनु सुनाए ने, इसने नु होर पक्का कर दियो। गोपाल पांडा जी ने मनो नमस्कार के किया कि क्या भी पटवारी जी, तुसी नु पुत्र ना समझो, ये कोई अवतारी पुरुष है, ये सब तरह की विद्या पढ़िया होया नहीं, सगो सारे तरह की विद्यावां दा यह करता है। इनू किसी पढ़ाई की लोड़ नहीं है, ये तां संसार दे भले वास्ते आए ने, बस उधार इन्हां ने जीवन का करना है। किसी ना किसी बहाने मेरा तो कर दिता, मैनू तो सच्ची सिक्ख्या दे दिती, मैं तो मन करके इन्हां दा दास बन गया। पिता जी बड़े हैरान होंदे, लेकिन भावना जिहड़ी है वह अवतार वाली नहीं बनी। घरे आउंदे ने अपने आरे लग जांदे हन। इस तो अगे कथा दी रंभता हुंदी है, आओ रसना ते मुख नूं करिए पवित्र। बोलो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा मस्तक आयुत दिपत दुत चित मोहत नर बाल। सतगुरां जी का चौड़ा मत्था, सुंदर स्वरूप, सारयां दे मन नूं मोह लैंदा है। कमल दलन से दृग ललित अल लाज विशाल। कमल दे पत्तियां दी न्याई चौड़े सतगुरां जी दे सुंदर नेत्र ने, जो शर्म दा घर हन। चौपाई दसन दमक तरन मध ऐसे, दसन सतगुरां जी दे दंद इस तरह चमकदे हन मुख दे विच बुल्लां चों। गिरा सदन ही रावल जैसे, जिवें किते सरस्वती दे विच हीरे चिणके रखे होण। उज सुंदर कर सजत कियूरा, लम्मियां बाहां ते उहनां दे बहुटे सजदे हन। काल कुंडल श्रोणन छबरूरा, ते गुरु पातशाह जी दे जो मुखड़े दी सुंदरता है वो अपना प्रभाव पाउंदी है, ऐसा सुंदर मुखड़ा है। जे रहे करुणा की कोरा, जिदे वल सतगुरु जी कृपा दृष्टि दे नाल वेख लैंदे हन। ताहे पवोदिध ते दे तोरा, उनू फिर भावजल संसार तों आसरा दे के पार कर देंदे।
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे। कृपा कटाक थोड़ा जा वेखना टेढ़ा इन्हें नाल दी सारे दासां दे दुख कट जांदे ਭਵਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਛ ਲੀਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਖ ਪੋਥੀ ਸੀ ਕਰੇ ਆਸੀਨੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੇ ਜੇ ਕੁਲ ਉਪਜੇ ਜੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਵਡਨ ਸਿਸ ਖੇਲ ਹੈ ਸੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਰ ਮੈਂ ਗਹੇ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਲੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਬਿਰਧ ਗਹੀਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਚਲ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹਿ ਆਏ ਲਾਲ ਕਲ ਦੇਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਿਓ ਬੋਲ ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਜਿਉਂ ਵੇਖ। ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਹੋ ਤਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਸਨ ਮਹਿ ਪੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕ ਨਾ ਇਤਿਉਤ ਹੇਰਤ ਕਾਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹਿਰਦਾ ਲਗਾਇਓ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚਾਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਕਿਤ ਹੋ ਟਾਰਤ। ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
कि मैं किसी नाल गल नहीं करनी। इस तरह असी फिर अपने इन इंद्रियां नूं असी ना संकोच लैने इकट्ठे करते हैं, फिर ध्यान बनता है पढ़न दे विच। चाहे असी संसारक विद्या पढ़ते हाँ, चाहे असी धार्मिक विद्या पढ़ते हैं, ध्यान की एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। असी जो धार्मिक विद्या पढ़े ने तकरीबन 2 साल, तो उस्ताद जी कहिंदे भी सौना छकना ते पढ़ना 3 गल्लां ने। प्रशादा छक के सौ जाना ते सौ के उठ के फिर पढ़ लेना, चौथी गल नहीं करनी है। कोई आवे कोई जावे किसी नाल कोई भी लेना देना नहीं है। कोई आ रहा है उसकी गल नहीं सुननी, ध्यान नहीं देना, तुसी अपने पढ़ना है। तो फिर पढ़ाई दे विच सफलता ही मिलती। मैं तकरीबन जदों पढ़न गया तो मेरी 29 साल की उम्र हो गई सी, 29 साल की उम्र। 29 साल के बिच केड़ी पढ़ाई होंदी है? कोई भी नहीं। 29 साल की उम्र के पढ़न गया, 2 साल पढ़ाई की, 31 साल उम्र हो गई। कोई समा नहीं होंदा पढ़न का। बस गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा करती, नहीं आउंदी इन्नी। तो फिर जिहड़े मेरे कोल पढ़े ने वह मेथों भी अगे लंघ गए, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੱਜ ਖੇ ਹੱਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵਿਸ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂ? ਸਾਰ ਲੈਂਗੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਦਈਏ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 55% ਹੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ 45% ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਜੰਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਖਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
इस तरह बैठे हैं। सुनकर पिता बचन को बोले, सतगुरां जी ने बचन सुन लिया पर वेख्या नहीं पिता जी वल, ध्यान पोथी दे विच ही है, देख के कहन लगे। संपट बेद्रम अमृत खोले, गुरु पातशाह जी ने अपने मुखार बिंद तो अमृत बचन कहना कीते। शब्द शलोकी पढ़ा गीता, कहने पिता जी मैं शब्द शलोकी गीता पढ़ रहा हां। अर्थ विचारो ते कर प्रीता, ते बड़े प्यार दे नाल मैं अर्थां दी विचार कर रहे हैं। जो श्री मद भागवत गीता है, द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण जी का उपदेश, अपना अर्जन दे प्रति कुरुक्षेत्र की धरती, उदे 18 अध्याय हैं ते 700 श्लोक है उदा, ते उदे चो की कीता है भी एक एक सौ श्लोक दे विचों एक एक श्लोक लै लिया, तत् लै लिया उदे विचों सार, जिहड़े श्लोक की व्याख्या की ना सौ श्लोक दे विचों श्लोक लै लिया, ते 700 श्लोक दे विचों 7 श्लोक लै के फिर वह गीता बनाती जिन्हों सप्त श्लोकी गीता कहने हैं। सिर्फ 7 श्लोक टोटल जिहड़ा श्लोक है श्री मद भागवत गीता का वह 700 है, पर इहदे च केवल 7 श्लोक ने भी जिहड़े श्लोक नूं लैके उह श्लोक 100 व्याख्या की ना 99 दे विच उह इक श्लोक लै लिया, वो 7 श्लोकां दी जिहड़ी बनी हुई गीता है उहनूं सप्त श्लोकी गीता कहिंदे ने। सार तत् जिहदे विच दस्सिआ कि भाई सारी गीता जिहड़ी है 7 श्लोकां दे आले दुआले घूमदी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਪੁੱਛੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਹੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ?
हेरा फेरी करनी सिखाई जाती है। कोई स्कूल हो वे, कोई कॉलेज हो वे, कोई यूनिवर्सिटी हो वे, पर इसके बावजूद सारा कुछ मनुख करी जा रहे हैं। साढ़े धार्मिक स्थान ने जितों असी धार्मिक सेध लैनी होंगी है, इतने भी झूठ बोलिया जाता, इतने भी हीरा फेरी होंगी। तो फिर गुरु नानक साहब जी को कहना पै गया भी था नष्ट जग भ्रिष्ट हुआ डूबता है जग। कहिंदे भाई इष्ट के थान भी भ्रिष्ट हो गए, बंदे ने करे ना भ्रिष्ट, बंदे ने किते ने भ्रिष्ट। बंदा जिथे बैठ गया वो थान भी भ्रिष्ट हो जाएगा, उत्थे बैठा झूठ बोली जाता है कमाल, उत्थे बैठा हेरा फेरी करी जाता है। हुण तैनूं बुलाया तां इत्थे इह सी वी तेरा उधार हो जावे, पर इसके बावजूद फिर भी यह नहीं राहे पिया, यह फिर उत्थे दा उत्थे बैठा, कोई फर्क नहीं। नाले सिक्ख्या कितों दित्ती नहीं जाती। कोई कह दे वी वर्ल्ड दे विच कोई ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जिथे सिखाया जाता भी झूठ बोलना, भी ऐ बोलना बई, हेरा फेरी ऐ करनी है बई, गालां कढ़नियां ने सिखाइया जाने कि नहीं, ये सारे काम आप करी जाते। सो सारे धार्मिक स्थान, दुनिया के एजुकेशन सेंटर ते जितने भी साढ़े रिलीजन नाल संबंधित ग्रंथ ने वो सानू सही सिक्ख्या दे रहे हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहिंदे भी असी पढ़ते हैं सप्त सलोकी गीता ते नाले करदे हैं अर्थां दी विचार, कि जदों असी अर्थां नूं विचार के नूं अपने जीवन विच ल्यावांगे ना, तां फिर साडा जिहड़ा जीवन है वह सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। साहब जी कहिंदे इक्को ही शब्द है जिहड़ा जीवन नूं बदल के रख दिंदा है, इक्को ही शब्द, एक शब्द लै लो, कोई लै लो, बस उन्हों लो अपने जीवन विच लियाओ कि जीवन दे विच पलटी आ जाए। पर जे जीवन च बदलाव नहीं आया फिर कहिंदे भी तैं नर क्या, पुराण सुन कीना अन पावनी भगत नहीं उपजी भूखे दान ना दीना, फिर तेरे पढ़न का की फायदा, कहिंदे विचारन का की फायदा जे जीवन दे विच बदलाव ही नहीं आया। सो जीवन नूं बदलना, जीवन दे विच बदलाव आवे। साडी स्थिति की बनी है, कहिंदे भी आमली शाम नूं किते उन्होंने सौदा पत्ता छक लिया ते मन बन गया, कहिंदे भी चली आपां सैर करिए, कि दरिया के किनारे जाके बेड़िया च बैठ गए, बेड़िया के जाके उन्होंने चप्पू मारने शुरू करते, चप्पू मारी गए नशे की लोड़ के शाम पै गई, वो दूसरे पासे शहर लाइटां जगनिया शुरू हो गई, उन्होंने देख के कहिंदे भी आपां नेड़े पहुंच गए, लाइटां दिखाई देन लग गई, तो उधर दिन भी चढ़ गया, लाइटां फिर बुझ गई, पुछदे हैं कहिंदे भी आप कित्थे कु पहुंच गए, कहिंदे नशा उतर गया रात नूं, कहिंदे पहुंचना कित्थे सवाह सी, संगल तां आपां ने खोलिया नहीं है। दरिया के किनारे ते जिहड़े मलाह लोग ने वह संगल दे नाल बेड़ी नूं बन्न जांदे आ, वी जे दरिया च हड़ आ गया तो साडी बेड़ी तां नहीं जाऊगी ना, वह संगल खोलिया नहीं है तो चप्पू सारी रात मारी गए, पहुंचना कित्थे सी, साडी वह हालत हुई है भी धर्म के चप्पू तो असं मार रहे हैं पर मन मत का संगल नहीं खोलिया, गज खे आखो सतनाम काम तो असं कर रहे हैं, धार्मिक सारे कर रहे हैं लगे हुए हैं, पर जोड़ा मन मत वाला संगल है वह नहीं खोलिया। हूँ जदों तक मन मत का संगल नहीं खोलते जिन्ने मर्जी गुरमत के चप्पू मारी जाओ, जाना थोड़ी कित उ तुरे फिरते हैं, उत्थे बेड़ी घूमी जाती कोई थान से किते भी नहीं जाती। इसलिए भाई पढ़ के सतगुरां जी की बाणी बकार छड़ने सन, मन की मत का त्याग करना सी, फिर आप अगे बढ़ते, पर चप्पू मारते रहे संगल खोलिया नहीं। सतगुरु जी कहिंदे शुभ मार्ग पर हैं हित धारक,
जेड़ा पढ़ के भाई विचार करता है फिर विचार नूं अपने जीवन दे विच लेके आउंदा है ओ फिर शुभ मार्ग सही रास्ते ते पै जांदा है जीवन नूं सफला कर लैंदा है। दोहरा कालू उर अचरज करत अचरज बचन सुने जो। बहुत हैरान होए पिता जी गुरु नानक पातशाह जी दे बचन सुन के बीनू सबत सलोकी बारे किने दसता इन्ना तां मैं नहीं कदे ध्यान दिता। हैरान होंदे भी आ की कही जांदा मेरा पुत्र। लखने की लालस लगी कूर के साच पने जो। फिर हुण ए जानन दी इच्छा पैदा होई भी ए सच बोलदा के झूठ बोलदा है। एवें तां नहीं कही जांदा पुछा तां सही झूठ तां नहीं बोलदा किते इहनूं किस साबत सलोकी दा कितों पता चल गया। ये जानन दी इच्छा प्रबल हो गई भी सच बोलता है कि झूठ बोलता है। चौपाई मुझको पढ़ कर दियो सुनाई। कहने फिर पुत्रा आउंदी है तेनू साबत सलोकी। सतगुरां जी ने सिर मारिया कहिंदे जी हाँ मैं पढ़ रहा हूँ भी पढ़ रहा है विचार रहा। कहिंदे लिया फिर सुना मैनू किथे पढ़िया तू किने पढ़ाया तेनू कित्थों सिखिया सुना फिर मैनो। अर्थ पन हो ज्यो पर है लखाई। भी गल सुनो भी मैनू ना अर्थ दसने तू कहना ना भी अर्थ विचार दे मैनू अर्थ दस नाल। सुन पित की बानी सुख खानी। सुखां दे दाते सतगुरां जी ने जदो पिता जी दे बचन सुने। अर्थ कहत भेजे दुख हानी। अर्थ सतगुरु जी करदे हन जिन्हां दे नाल दुखां दा नाश हुंदा है। अर्थ बखान्यो सतगुर पूरे। गुरु पातशाह जी ने जदो अर्थ करके दसना कीते। पवतारन को जे पद रूरे। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਬਚਨ ਬਦਤ ਅਦਭੁਤ ਲਗ ਗੀਤਾ। ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਦਭੁਤ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। क्यों नहीं करते उसका कारण है कि जे उन्हें सही अर्थ करता उन्हें पूछना किसी ने नहीं है। जिखे आखो सतनाम श्री इस करके वो अर्थ करने वाला ना थोड़ा भेद रखता होंगे भी मेरा दाल फुलका मेरा रोटी पानी चली जाए सही नहीं करता है और पर कर दूगा। ये अधोगति है धर्म की भी धर्म कदे भी सही अर्थों के नहीं सही हथा के नहीं रहा क्योंकि धर्म की व्याख्या वो करते रहे ने जेडे धर्म तो अणजाण ने जिन्होंने अपने आप को धर्म बारे कोई पता नहीं ना वो धर्मी बने ना उन्होंने धर्म बारे पता कि सारी उम्र जिहड़ी है वो धर्म की व्याख्या करदिया लंघ जाती है। नहीं तो इन्ना पढ़ के इन्ना धर्म का प्रचार करके जीवन तो कोई उच्चा होना चाहिए सी बदलाव तो होना चाहिए सी होया नहीं है कोई भी नहीं है जीवन ताल उत्थे दा उत्थी है। ता फिर सतगुरां जी नूं कहना पिया भी अवर उपदेश है आप ना करै आपत जावत जान मैंबरै। वो कहिंदे भाई तू लोकां नूं उपदेश दिंदा आप क्यों नहीं करदा इह तू भी करके वेख लै जिहड़ा कोई लोकां नूं करन वास्ते कहिंदा है तू भी करके वेख लै इह आप नहीं करदा है लोकां नूं दसी जांदा। आ वेखो ना माल रोड से बंदे बैठे ने कोई तोता ले बैठे कोई राशियां दसदा है ते किन्ने साल हो गए बंदे नूं उत्थे दे उत्थे बैठे ने उही छतरी लैके कईयां दे सिर ते उन्होंने छतर चढ़ाता कईयां नूं जहाज चढ़ाता कईयां नूं डीसी लवाता पर आप उसे तपड़ी ते बैठे हैं गज खे आखो सतनाम। कईयां दी लाटरी कढ़ाती उन्होंने आप फिर उही 10-10 रुपये मंगी जांदे। अवर उपदेश है आप ना करै आवत जावत पातशाह जी कहिंदे आप जपो अवर नाम जपो आप भी जपना है ते दूसरे नूं भी जपाउणा पता ही कहांगे ना।
हुण असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गल करदे पर जे मेरा अपना यकीन नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब जी ते मेरे कहण दा की फायदा है। मेरा अपना यकीन नहीं है, मैं तां किते होर तुरिया फिरदा, मेरा यकीन नहीं है। पर मैं कहना लोगों भी यकीन करो, पहला अपना यकीन बनाओ फिर कहो, फिर कहने की लोड़ नहीं पैंदी, जिहड़ा मिलूगा देखूगा आपे बन जूगा। इसलिए धर्म की व्याख्या हमेशा अणजाण हथां दे विच रही, वह धर्म की व्याख्या करते रहे जिहड़े अणजाण ने। जे किते सही अर्थां विच धर्म नूं समझ लैंदे समझा देंदे फिर अज साडे समाज का ढांचा कुछ होर तरह का होना सी, ये नहीं सी होना जिहड़ा होना है। गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा संसार की दशा बारे दस्या ना, वह यही कहा है भी जोगी जोगत ना जाने अंध। कहिंदे जिहड़ा जोगी है ना उहनूं बेचारे नूं अन्ने नूं पता नहीं भी जुड़ना की हुंदा है। ब्राह्मण नहावै जियां घाए, जिहड़ा ब्राह्मण है कहिंदे उहनूं वी जियां दा घात करके उहदे च नहाई पै नहाई जांदा है। काजी कूड बोल मैं लिखाए, एक काजी है जिहड़ा धर्म का आगू है वह कहिंदे झूठ बोल के मैं लिखाई जांदा है। हुण तिन्ने आगू ने धर्म दे ते तिन्ने ही अपने टिकाणे ते सही नहीं। इस करके साडे संसार की सतगुरु जी कहिंदे ये दशा होई पई। जिहड़ी संसार की दशा है उहदे पिछे गुरु पातशाह जी ने की दस्या भी धर्म के आगू सही नहीं हन, क्योंकि धर्म ने ही राजनीतिक बंदे नूं सही चलाउणा सी, धर्म ने समाज नूं सही चलाउणा सी, धर्म ने ही साडे परिवार नूं सही चलाउणा सी। हुण जदों धर्म ही नहीं सही रहा तो फिर ना परिवारक ढांचा ना समाजिक ना राजनीतिक ढांचा वह सारा बिगड़ गया। धर्म एक कानून है, एक नियम है, परिवार के लिए एक नियम है, समाज के कुछ नियम ने, राजनीति के कुछ नियम ने, उन्होंने आप धर्म कहने। धर्म का अर्थ है नियम, कानून के विच रह के हर एक काम करना धर्म है। पर आए ने उहदे विच ना वह आप आए तो ना उन्होंने सही दसिया, अपना मुफाद वेख्या भी मेरा मसला कित्थे ठीक हो सकता है। जिवें अज भी है ना, अज असीं मर्यादा की गल करते हैं बई धर्म के विच मर्यादा नूं ज्यादा तरजीह दित्ती गई है, पर इह किहदे ते लागू हुंदी है? सिर्फ गरीबां ते। जिवें कानून गरीब ते लागू हुंदा ना, ये धर्म की मर्यादा भी सिर्फ गरीबां ते लागू हुंदी है, अमीर ते कोई धर्म नहीं लागू हुंदा। किसे धर्म के विच अमीर ते कोई धर्म लागू नियम लागू हुंदा नियम दा कोई नहीं, वह कहिंदे भी जो मर्जी कर सकते हैं। जिहड़ा पैसे दिंदा है उहदे लई धर्म कुछ नहीं है, उहदे लई नियम नाल दी नाल बदल जांदा है। पर जिहड़ा गरीब है उहदे ते कानून लागू हुंदा है, गज खे हखो सतनाम श्री वाहे गुरु। जिवें सरकार दा कानून नियम सिर्फ गरीब ते लागू हुंदा है, अमीर ते नहीं हुंदा है, बनाउण वालियां ते नहीं हुंदा। इसे तरह धर्म दे कानून ने वह गरीबां ते लागू होने हैं, अमीर ते नहीं हुंदे हैं। अमीर जो मर्जी कर सकता उहदे लई खुली छुट्टी है, कहिंदे जिवें कहेंगा उसे तरह कर दांगे तू आ जी, कोई जिन्ना मर्जी रौला पाई जावे भी यह ठीक नहीं जी है, कोई नहीं पुछ हुंदी, कहिंदे जो होना दी हो गया। फिर उहदे ते इल्जाम लाउणगे भी जिहड़ा बोलदा भी तू अपने आप नूं ठीक कर, तैं किसे ते की लैणा, तू ठीक है, उहनूं दबका मार के चुप करा दिंदे आ। सो गुरमुखो जिथे माया आ गई ना, माया ने कोई नियम नूं नहीं मन्निया, माया दे नाल जो मर्जी किया जा सकता है, जो मर्जी कर लो माया दे नाल सारा कुछ हो जाता है। दसो किहड़ा काम नहीं हुंदा, माया चाहीदी है घरे बैठे बैठे हो जूगा, चाहे साडा राजनीतिक काम है चाहे साडा धार्मिक काम है, पैसे चाहीदे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमीर जो मर्जी करे उहनूं नहीं कुछ कहिंदा, ना उहदे ते कोई सरकार का कानून लागू हुंदा ना धर्म का कानून लागू हुंदा, हुंदा ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपना हिसाब देखिया भी साडा काम किवें ठीक हो सकता है, उस हिसाब के नाल उन्होंने फिर धर्म की व्याख्या करती उस तरीके दे नाल। तो जे असीं किते सही चलदे ते साडा जीवन बदल जांदा, सतगुरां जी ने सही अर्थ कीता है। आपां कहिंदे बाणी दे अर्थ ना, बाणी है ही अर्थ रूप है, इहदा कोई अर्थ करन दी लोड़ नहीं, बाणी अर्थ रूप है,
ये किसे अर्थ की लोड़ नहीं है, अर्थ रूप ही है बाणी। अर्थ हो जो तुम समझ आ गया, मैनु समझ आया, मैं तुम्हें समझावा, कोई ना कोई कमी रहूगी। पर जो अर्थ अपने आप को समझ आया तो मैं भी नहीं दस सकता अगे, जो अर्थ समझ आ असली दे विच अर्थ वो है। देखो तत् वस्तु की होंगी, आप दुध घ्यो कढ़ना है, वो कि कुछ करना पैदा, पहले आप घ्यो दुध में जमावे, दही में रिड़कांगे, फिर वो मक्खन निकले रस्सी लस्सी बकरी, फिर वो जिहड़ा मक्खन है उन्होंने असं गर्म करते हैं, तो फिर वह बनता घ्यो। हुण घ्यो सानू दिखाई दे रहा है, घ्यो तक असं सारे पहुँच जाते हैं, पर हुण घ्यो दे विच जिहड़ा तत् है वह उहदे अंदर असर करना, जिहदे अंदर घ्यो जाऊगा। घ्यो ने अपनी जिहड़ी ताकत है ना वह उहनू दसणी है जिहदे अंदर चलिया जाऊगा। घ्यो सामने पिया है कोई कुछ नहीं जान सकता भी इहदे विच की है, पर जिहड़ा खावेगा जिहदे अंदर जाएगा उहनू दस दूगा कि आ मेरी ताकत है, गज के आखो सतनाम, जिहदे अंदर गया है। हुण घ्यो तक तो दुनिया पहुंच जाती है, पर घ्यो का जिहड़ा असर है वह वेखो जिहड़ा अपने अंदर घ्यो नू लैके जाऊगा। हुण असीं तां इत्थे तक पहुंचे भी दसता भी आ घ्यो इस तरह बनता जी, पर हुण भी जे घ्यो का असर देखना हो तो फिर घ्यो खाना पऊगा ना, घ्यो अंदर जाएगा तो दस देगा वो। इसलिए यह जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप विचार रहे हैं ना, ये घ्यो तक गए हैं, पर जिहदा असर वेखना फिर इहनू अपने अंदर लै जाओ। जदों अपने अंदर जाएगा फिर इहने अपना असर दिखाउणा है। जदों बाणी सही रूप दे विच अंदर लै गया, सबज कहिंदे तैनू पार कर दू बाणी, इह बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु विस्तारे। सामने तैनू पता चलू भी किवें तारिया तैनू। ऐसे सुंदर अर्थ सतगुरां जी ने करे, जेड़े भव जल तारन तो समरथ हन, सुनत तात मृग कंटक प्रीता। कहिंदे जदों पिता जी गुरु नानक पातशाह जी दे कोलों वचन सुणदे ना, सुनत तात मृग कंटक प्रीता, जिवें कहिंदे घंटे हेड़े का शब्द सुणदा हुंदा ना मृग, उस तरह उन्हां दा ध्यान बन गया। एक आवाज है जिहनूं आपां घंटे हेड़े का शब्द कहिंदे आ, घड़ा घड़े दे विच दी धागा कढ़िया उपर उन्हों बंद कर दिता, तंद विच खिच ली, वह तंद नूं खिच के जिहड़ी आपां आवाज पैदा करदे नूं घंटे हेड़े का शब्द कहिंदे आ, ते उहदे मिरग दे उत्ते असर हुंदा। जदों उहदे कन्न च आवाज पैंदी है ना, वह फिर उत्थे आके खलो जांदा जिवें पत्थर दा बना के खड़िया हुंदा, इन्ना मस्त हुंदा। कहिंदे इन्ना ध्यान बन गया पिता जी दा, जिवें घंडे हेड़े दे शब्द दे विच मिरग दा बनिया हुंदा। प्रथम पाठ कर परम प्रवीना, पहले सतगुरां जी ने बड़े प्यार दे नाल जिहड़े श्लोक ने उन्हां दा मूल पाठ करना कीता। गिरा मधुर सुंदर रस लीना, गुरु पातशाह जी दे जिहड़े वचन ने वह बड़े मधुर मिठे हन और सुंदर ने, सुंदर रस लै के सतगुरु जी पाठ करते ने। बाणी पढ़दिया होया बाणी दे रस नूं माणना है, देखो भी स्वाद आ रहा है कि नहीं, बाणी पढ़न का रस माणना है, उहदे विचों बाणी का स्वाद आवे बाणी पढ़न का। कोई भी काम आपां करदे हां उहदा रस बनना चाहिए, जदों स्वाद आउण लग बंदा काम करी जांदा, पर जदों नहीं रस बनता फिर छड्ड के परे हो जांदा। रस लैके बड़े प्यार दे नाल सतगुरु जी पाठ करते हैं। बहर अर्थ कर सब समझायो, ये सतगुरां जी ने अर्थ समझाउणा कीता, इहदा ये अर्थ है अखरी अर्थ जिहनूं आपां कहिंदे आ, अखरी अर्थ करके समझाया। तात पर जो तेहे मह पायो, फिर उहदे विच जिहड़ा तात पर है भी असली गल की है, असली गल जिवें एक तो होंगी उपर हैंडिंग होंगे स्टोरी का, विचकार स्टोरी है, तो थले मॉरल होंगे, तीन चीज़ा ने वो आपने कितने टिकना होंगे मॉरल,
भी उहदे च सिक्ख्या की है आपां ने उह सिक्ख्या लैणी हुंदी हुण सिक्ख्या जिहड़ी है उह अद्धी पंक्ति दे विच ही हुंदी है अद्धी लाइन च लिखी हुंदी है उह सारे विचों असीं तत् वस्तु नूं लैणा हुंदा है ते सतगुरु जी पहलां पाठ सुणाउंदे फिर उहदे अखरी अर्थ करदे ते फिर समझाउंदे ने भी इह सलोक दा अर्थ की है असली तात पर की है सुन कर कालू करत बिचारा जदो पिता जी ने सोने विचार करदे हन पुन पांधे को बचन चितारा फिर उन्हां नूं गोपाल पांधे दी कही हुई गल चेते आई सत बदत मत मित अत याकी जदो पांधा जी ने सच ही कहा है वी इह जिहड़ी मत है ना ओ मिणती दे विच नहीं आउन वाली बै लख मह एती मत काकी इन्नी छोटी उम्र दे विच इतनी मत होनी हले गुरु पातशाह जी तकरीबन 7 साल दे नेड़े पहुंचे 7 साल दी उम्र दे विच पातशाह जी ने सबत सलोकी गीता दे ग्रंथ करके अर्थ करके सुनाते बड़े हैरान होंदे हन पिता जी दोहरा जनक गयो सुन कर सदन नानक जननी संग हुण जदों पिता जी नूं अपने बच्चों की कोई खुशी होंदी ना फिर वो अपनी घरवाली नाल सांझी करदा जाके पिता कालू जी घरे गए माता तृप्ता जी नूं जाके कहण लगे बचनन सो वर्णन करी सब विध हृदय उमंग जाके कहण लगे तृप्ता अज मैं तेरे पुत्र नूं वैसे ही छेड़ लिया सी बच्चों च बैठे नूं बई कमाल करती सब तसलोकी गीता दे अर्थ करके सुनाए ने चौपाई प्रथम जोत की गुण गाए कहिंदे भी ऐ लगदा भी पहला तो हरदयाल पंडित जी बड़े गुण गाउंदे सी पुत्र दे भी ये अवतारी पुरश होवेगा शुभ लक्षण सब अंग बताए अंग वेख के शुभ लक्षण दसे सन गुण पांधे गोपाल बखाना कहिंदे फिर हुण गोपाल पांधे ने भी यही गल कही है सुत तुमरो अत सहमत वाना वाके तेरा पुत्र जेड़ा है ओ महान है अब बारिक मह कागद लीने हुण बैठिया सी अपना पुत्र कागज लै के बच्चियां च खेलत हो तो प्रीत चित चीने खेड़ रहे सन बच्चे बैठे नाल मैं बूझियो क्या खेल हो ताता मैं पूछ लिया भी आ पुत्र केड़ी खेड़ खेड दें तू सुंदर गिरा कही सुख दाता सुखां दे दाते ने बड़े सुंदर बचन कहे सपत शलोकी गीता पाकी मैनू कहंदे भी ये सपत शलोकी गीता है जान पंडित ते पढ़ कर राखी मैं पूछा फिर सुना पढ़ के भी जी आउंदी है ऐसा पढ़ के सुनाया जिवें पहला ही किसे पंडित दे कोलों सिख्या होवे अब तो मत गुणवानन जैसी कहिंदे भी हुण ते जिहड़ी मत है उह सियाणियां वाली है वड्डे होए क्या जान है कैसी वड्डा हो के हुण कैसी हुंदी है भी ए नहीं पता सुन पुन कहत पई गुर माता सुन के सतगुरां जी दे माता जी कहण लगे शुभ लक्षण इस मह बखियाता कहिंदी हां जी लक्षण ता सारे शुभ ही हन प्रगट बदन प्रसन्न कमल जिम बिकसा मुख खिड़िया रहिंदा है जिवें कमल दा फुल खिड़िया हुंदा है रोदन शब्द न मुख ते निकसा अज तक बच्चियां दी तरह कदे रोया नहीं है सिस मह खेलत देत नगारी बच्चियां दे विच खेड़दा होया कदे गाला नहीं कढ़दा साडे कहिंदे जी बच्चे बाहरों सिख के आउंदे गाला मैं कि बाहरों कोई नहीं सिखदे सिखदे तां घरों ही ऐ गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जां तुसीं खड़दे हो गाला न्याणे तां फिर कढणगे ना उहनां ने कोल सिखणा मेरा बेटा तकरीबन 14-15 साल दा हो गया कहिंदा डैडी बच्चे स्कूल च गाला कढदे मैनूं वी गुस्सा आ गया महां तूं वी कढ दिया करो उह घरे वी लग गया कढण फिर घर दी कहिंदी तैं कानू कहना तैनू मां की होए कहिंदी घरे भी कढ दे हुण आले दुआले गुरु को गालां कढ दे फिर उह भी कढण लग जांदे ने पर बच्चा घरों सिखदा है जे आपां संकोच रखांगे बोलण दा बच्चे नहीं सुणनगे नहीं असर होवेगा नहीं तां फिर जो आपां बोल रहे हैं
ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਰੀਡ ਖੇੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਣਨਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਭਾਂਡਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਸਭ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਊਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਟੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਟੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਵਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਆ। ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਣੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਣੀ ਬਾਜ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ?
उदों गुरु नानक साहब जी नूं चेते करिया करो भी मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने कहा भी इहनूं माड़ा नहीं कहना ना गल नहीं कटनी है ऐ गुरु नानक साहब जी का पैरा लाओ अपने आप से भी मेरे पातशाह जी का हुक्म है भी सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान फिर गाला कढ़ते हट जाऊंगे हूँ गाला कढ़न दे तो हटे नहीं है मां की गाल कढ़ दे भैन की गाल धी की गाल कढ़ दे फिर की फायदा गुरु नानक देव बचन का बई पैरा दो गुरु नानक साहब जी माता त्रिपता कहती कदे गाल नहीं कढ़ी मेरे पुत्र ने कदे रोया नहीं कदे गाल नहीं कढ़दा लड़्यो ना किस स्यो मधुर उचारी फिर ना ये किसे दे नाल लड़िया बड़े प्यार दे नाल बोलदा नर नारी सब करत वडाई सारे वडाई करदे हन मेरे पुत्र दी संग फिरे बारिक बरे आई देख लो बच्चिया नूं घरे लै जांदे बच्चे फिर आ जांदे घरों नट के बां छड़ा के खेड़ा नहीं छड़दे मेरे पुत्र दा वृद्ध नरन ज्यो पन्हे कहानी सियाने बंदियां दी तरह मेरा पुत्र बच्चिया नूं कहानी सुणाउंदा बाल विशाल सुनहे हित ठानी सारे बच्चे बड़े हित दे नाल सियाने सियाने बंदे भी सुनदे हन खलो के मात पिता सुत उस्तत कह कर सा माता पिता उस्तत करके अपने पुत्र दी और आमोद संग पे गहवर रज जांदे हन भर जांदे हन खचा खच हो जांदे हन अपने पुत्र दी बड़ियाई करके उत श्री नानक खेल मचावत गुरु नानक साहिब जी महाराज आज खेड़दे हन बच्चियां दे नाल तलवंडी की बीथी तावत ए तलवंडी दियां गलियां ननकाणा साहब दी धरती जिन्हां गलियां दे विच मेरे पातशाह जी तावत दौड़े फिरदे ने गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतसंग जी अज भी ओह धरती ते जाके इसी तरह महसूस हुंदा वी मेरे पातशाह जी भज्जे फिरदे गलियां दे विच अज भी ऐसी धरती ननकाणा साहब की उस धरती नूं गुरु पातशाह जी भाग ला रहे ने इस तो अगला प्रकरण अगली कथा विच सरवण करांगे उन्हां फुल्लां दी किवां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अजूता है पार ब्रह्म अबनासी अगनास हे पूरन हे सर्वम दुख भंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा ये अपरंपर हर हरे हाय पी होवन हार ये संत के सदा संग निधाराया धार हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दी जय नाम दान राखो ही परोय आए परब शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी सोहला रागड़ी दीप की मोहल्ला पहला।